हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। देखिए, आपके सामने ये रहा सिलेंडर। अब यहां पर जो जो आपको गिवन है उसको आप यहां पर लिख लेंगे। गिवन है आपको इसका CSA, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना वैल्यू है? 4.4 मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। इसके बाद आपको गिवन है रेडियस, ठीक है, जो आपका बेस है, ठीक है, ये आपका बेस है और यहां पर ये आपका बनता है रेडियस। इसका वैल्यू है 0.7 मीटर। इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। तो आपको आर का वैल्यू गिवन है 0.7 मीटर। अब देखिए, आपको निकालना है हाइट। ओके, तो आपकी हाइट कितनी होगी? देखिए, यहां से जो ऊपर का सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट और जो नीचे वाला सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट, अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपकी हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बच्चों, इस वीडियो से पहले मैंने सिलेंडर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात की थी। तो अगर आपको याद है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2πRh, ओके, और CSA का वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, R का वैल्यू भी आपको गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए, अगर आप वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं तो सिंपली आप H का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। CSA का वैल्यू है 4.4 इज इक्वल टू 2 × π। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू आपको गिवन है 0.7। एच आपको फाइंड करना है। अब बच्चों, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यूज को इधर से उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए डेसिमल का वैल्यू है 4.4, तो आपको क्या करना है, डेसिमल हटा देना है। और आप जैसे ही डेसिमल हटाते हैं तो उसके बाद जितनी भी डिजिट होती है उतना आप यहां पर जीरो ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब है 10 नीचे आ जाएगा। इन द सेम मैनर यहां पर भी आप डेसिमल हटा देंगे तो आपका 7 है, दैट मीन्स 1 डिजिट है, तो आप यहां पर भी 10 लिख देंगे। ओके, तो ये 10 आपका इस 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहां पर आपका 7 है तो इस 7 से इस 7 को आप कैंसिल आउट कर दोगे। इसके बाद यहां पर आपका 44 है, यहां पर 22 है, तो 22 की टेबल में 44 आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इसके बाद 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए, आपके पास यहां पर कुछ भी नहीं बचा। इसका सिंपल सा मतलब है यहां पर वैल्यू कितना आने वाला है, 1। ओके, तो बच्चों फाइनली सिलेंडर की हाइट निकल के आ चुकी है 1 मीटर। तो आप यहां पर लिख लेंगे दस द हाइट ऑफ द सिलेंडर is 1 meter. So this is the answer for this problem. तो बच्चों, आपने देखा कितना आसान था इसको सॉल्व करना। आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो सिंपली आपको वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायामीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। देखिए, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है और पानी के लिए आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप गिवन है। अब देखिए, आपको लेंथ गिवन है 28 मीटर। अब देखिए, जो लेंथ है बेसिकली वो क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप है। तो आप यहां पर लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू हाइट
ओके, तो ये आपकी गिवन है 28 मीटर। ओके, लेंथ ही बेसिकली क्या है आपकी, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, और इस पाइप की डायमीटर आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर आपकी ये कंप्लीट डाया होगी, ओके, ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आपको इसकी रेडियस निकालनी है तो आप 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ओके, तो ये आपके पास आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, आर का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब सिंपली आपको इस रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, सो दैट कि आपकी सभी वैल्यूज मीटर में हो जाएंगी और आपको आंसर निकालने में इजी होगा। तो 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड कर देना है, ओके। अब ये आपका हो जाएगा 25 / 1000। अब देखिए आपको क्या करना है, जितनी जीरोज नीचे हैं तो आपने यहाँ पर काउंट कर लिया कि जीरोज हैं आपके पास 3, तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है जो ऊपर की वैल्यूज हैं, ओके, 1, 2, 3, और उसके बाद आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना है, तो फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.025 मीटर। अब आपसे पूछा है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, इसका सिंपल सा मतलब है आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, ओके। तो आपको R का वैल्यू गिवन है, H का वैल्यू गिवन है, आपको वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है और आपके पास आंसर निकल आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 22/7, R का वैल्यू देखिए 0.025 × H का वैल्यू आप रखेंगे 28, ओके। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा और आप इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.4 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है 4.4 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में आप निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। या तो आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। A cylindrical pillar is 50 cm in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of ₹12.50 per meter square. देखिए आपको एक सिलेंडर यहाँ पर गिवन है और डायमीटर है उसकी 50 cm। आप यहाँ से उसका रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, दैट मीन्स 50/2 इज इक्वल टू 25, ओके, सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है 3.5 मीटर। इसके बाद आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको पेंट करने का कितना कॉस्ट होगा। यहाँ पर रेट भी आपको गिवन है ₹12.50 per meter square। तो चलिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πRh। अब देखिए हाइट आपको गिवन है मीटर में और रेडियस गिवन है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेना है मीटर में। तो ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे और ये आपका जाएगा 0.25 मीटर, और आपको यहाँ पर यही वैल्यू पुट करनी है। तो आप यहाँ पर रखेंगे 22/7 × 0.25, H का वैल्यू 3.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों मेरी बात को आप ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो कॉस्ट आता है वो कितना आता है, ₹12.50। लेकिन आपको क्या निकालना है, जो आपने यहाँ पर अभी कवर्ड सरफेस एरिया निकाला है
इसको पेंट करने का कितना कॉस्ट होगा। तो आपको 1 मीटर स्क्वायर का गिवन है 12.5 रुपए और आपको निकालना है 5.5 मीटर स्क्वायर का। तो सिंपली बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना होता है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों बेसिकली इस कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने का टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 68.75 रुपीज पैसा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।